हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो है दी अकोला जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक लिमिटेड अकोला में। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जॉब्स रिलेटेड जो वीडियो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं अकोला बैंक में क्लर्क की पोस्ट के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में रिक्रूटमेंट जूनियर क्लर्क की पोस्ट आई है। कोई भी इंडिविजुअल इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो www.akoladccbank.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वह 20 अगस्त से यह फॉर्म भरने के लिए चालू हो गया है और जो लास्ट डेट है भरने का वह है 4 सितंबर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है जूनियर क्लर्क का वह कितना है, 100 है। बैंक के पास राइट है, रिजर्व है कि वह नंबर ऑफ वैकेंसी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेसर को चेंज कर सकता है, ठीक है। जूनियर क्लर्क अ फिक्स पेमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ विल बी पेड बाय द बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड देयर आफ्टर द प्रोविजन पीरियड विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। यानी एक समय तक बैंक क्या करेगी, जो भी जूनियर क्लर्क में अपॉइंट किया जाएगा यानी सेलेक्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, उसको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा एक प्रोविजन पीरियड के लिए, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। उसके बाद जो भी कैंडिडेट प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लेता है उसको 25,000 पर मंथ के अनुसार उसको सैलरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो भी जूनियर क्लर्क के लिए जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट को DOE ACCC अप्रूव सोसाइटी पास होना चाहिए प्लस CCC ओ लेवल का, ए लेवल का और बी लेवल का कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कहाँ का होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन बोर्ड मुंबई से होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट BCA BCM MCM BE BTech और कंप्लीट है तो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 31/7 यानी 31 जुलाई 2021 तक कैंडिडेट मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए और वह 30 साल का नहीं होना चाहिए इस डेट के तहत। अदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, यानी जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र के हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर दूसरे स्टेट के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एवर मेंशन्ड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड वेरिफिकेशन एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी जो भी ओरिजिनल कॉपीज होता है आपके डॉक्यूमेंट का वह इंटरव्यू के समय वेरिफिकेशन के लिए आपको देना होगा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा। जो भी जूनियर क्लर्क के लिए कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो कैसा होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का लिया जाएगा और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। टोटल मिला के आपको 100% का मार्क्स बैंक के द्वारा लिया जाएगा। और जब भी आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपका फाइनल लिस्ट बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनिंग में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 35 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 10 होगा, जनरल अवेयरनेस में 35 होगा, कंप्यूटर नॉलेज में 35 होगा और मैथ में आपका 35 होगा।
क्वेश्चन भी आपका 150 का होगा और मार्क्स भी आपका 150 का ही होगा और टोटल ड्यूरेशन आपका टाइम दिया जाएगा 150 मिनट का। फी की बात करें तो आपको 1000 रुपीज़ बैंक के द्वारा लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भरने से पहले एक बार इसे आप रीड आउट कर लें। मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैंक के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाकर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जॉब्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।